IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 11 नंबर चैप्टर की बात आती है फोटोग्रामेट्री। 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए एदर इन मेजरमेंट्स। ओके, फोटोग्रामेट्री क्या होती है? फोटोग्रामेट्री की हेल्प से हम सर्वे कब करते हैं? जब हमारे पास टाइम बहुत ही लेस होता है, फटाफट हमें सर्वे करना है, ठीक है, जब जाके हम फोटोग्रामेट्री यूज़ करते हैं। और इसको करते कैसे हैं? एक कैमरा हम क्या करते हैं, किसी एरोप्लेन में फिट कर देते हैं, ठीक है, और उसकी हेल्प से बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं। ओके, उन फोटोग्राफ्स की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज़ का, उसकी हाइट क्या है, कितना एलिवेशन है, ठीक है। अब वो फोटोग्राफ की हेल्प से हम इसका पता लगाएंगे कैसे, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि फोटोग्रामेट्री में हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स की हेल्प से सर्वे करते हैं, ठीक है। अब अगर आपका कैमरा, मान लो ये आपका कैमरा है कोई, वो अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन वो स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है हमारे प्लेन के, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री, ठीक है। और यदि आपका कैमरा इस तरीके से है, ठीक है, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकली इस टाइप से आ रही है नीचे, ठीक है, वर्टिकल है, तो उसको हम वर्टिकल फोटोग्रामेट्री बोलेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री की हेल्प से हम कैसे हमारा सर्वे करेंगे, वर्टिकल फोटोग्रामेट्री की हेल्प से हम कैसे सर्वे करेंगे, और जो हमारा वर्टिकल फोटोग्रामेट्री में अगर दो पॉइंट दे रखा है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल फोटोग्रामेट्री। ओके, अब बात आती है इसकी, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम लो, वीडियो पॉज करिए, उसके इसके बारे में सोचो, ये क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है कैमरे की, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है कैमरे की। देखो मैं बताऊंगा इसको, आप समझने की कोशिश करना। ये मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, 3D में इस तरीके से दिख रहा है, 3D में इमेजिन करो, और ये आपके कैमरे की कोई एक्सेस है, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सेस यहाँ आ गई, ये आपकी प्लेट है, ओके, जहाँ पर आपकी इमेज बनती है, ये नेगेटिव प्लेट है, ओके, और ये पॉजिटिव प्लेट है, आपकी इमेज यहाँ बनेगी, ओके, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई यहाँ से। अब इस ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बन रही है, ओके, वो यहाँ से यहाँ तक बनी। अब देखो ये है ना, ये इस पार्ट से ऊपर उठा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये इस पार्ट पर इमेजिन कर, इसका आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से जाके ये नीचे गया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके इस प्लेन में नीचे की साइड है, ओके, इसको आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आप, तो ये तो क्या हुआ है, ऊपर उठा हुआ है इस प्लेट पर इस तरीके से, और ये इस प्लेट पर नीचे गया हुआ है इस साइड। अगर आपकी ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये आपकी प्लेट है, तो इस पर तो ये नीचे गया हुआ है इस साइड, और ये यहाँ ऊपर उठा हुआ है, देखो, ओके। अब इस प्लेट की फोकल लेंथ इतनी है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ इतनी है, दोनों जाके यहाँ इंटरसेक्ट कर गई, इसको हमने पॉइंट दे दिया ओ, ये हमारा बी है, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये ग्राउंड पर वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कैपिटल वाई है, ठीक है, और जो इमेज बनी हमारी, ये यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है, तो इमेज पर हमारी डिस्टेंस कहाँ के कितनी है, स्मॉल वाई, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर जो हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस कैपिटल वाई थी, उसको फोटोग्राफ्स लिए हम उसकी, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल वाई, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में अगर कैपिटल एक्स उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो जो फोटोग्राफ पर उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल एक्स, ओके। इमेजिन खुद को करना पड़ेगा आपको, इसको सोचो, थोड़ा पॉज करके वीडियो को। अब बात करते हैं इसकी, अभी वो काम आएगा, अभी ये कंप्लीट डायग्राम काम आएगा, अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री की, फोटोग्रामेट्री इन विच एक्सेस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल, अगर आपका कैमरे की एक्सेस हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री होती है हमारी, ठीक है। अब स्केल की बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री की हेल्प से हम हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका एलिवेशन या फिर उसकी हाइट, डेप्थ, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। अगर इसको आप टॉप से देखोगे, यहाँ से देखो इसको टॉप से, तो आपको किस तरीके से दिखेगा ये, देखो ये जो प्लेन है ये, ठीक है, ये इतना, ये तो आपको बिल्कुल एक लाइन दिखेगी, ठीक है, और जो ये प्लेन, ये चीज़ है ये आपको इस तरीके से दिखेगा, इमेजिन करो तो देखो इसको, ये तो आपको एक लाइन दिखेगी और ये इस तरीके से दिखेगा। अगर नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको आप खुद से सोचो,
ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। ठीक है चलो इसको छोड़ो, आप समझो। ठीक है, टॉप से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा और साइड से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको। ओके, उसको आप देख के इमेजिन करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें अगर नहीं आ रहा है तो। अब देखो हम सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे इसमें, ओ बी के एंड ओ बी के, स्मॉल ओ बी के एंड कैपिटल ओ बी के। देखो स्मॉल ओ बी के तो हमारा ये रहा, ठीक है। देखो इसमें देखो आप स्मॉल ओ, स्मॉल बी एंड स्मॉल के, ये रहा आपका इतना सा ट्रायंगल। और कैपिटल ट्रायंगल कौन सा हो गया, कैपिटल वाला ओ, कैपिटल बी एंड कैपिटल ए, इसमें सिमिलरिटी लगा दो आप। ठीक है, इसमें सिमिलरिटी यूज़ करनी है हमें एक तो, और दूसरी किस में यूज़ करनी है, दूसरी हमें ओ बी ए, ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और इस कैपिटल में ओ बी के, इन दोनों में सिमिलरिटी यूज़ करनी है और उनको इक्वल करना है। देखो या सिमिलरिटी यूज़ करोगे आप तो हॉरिजॉन्टल फोकल लेंथ यहाँ से ओ, और इसकी डिस्टेंस तो है स्मॉल एफ, आप खुद से देख के अप्लाई करना, ठीक है, सिमिलरिटी यूज़ होगी उसमें। जब उसमें सिमिलरिटी यूज़ करोगे तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आएगा। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अच्छा बता देता हूँ यार, ओके अपॉन ओके एफ, देखो देखो मैं बता देता हूँ इसको, ओके यहाँ से यहाँ तक की फोकल लेंथ एफ है, डिवाइडेड बाई, अब ये इमेज की हो गई फोकल लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इमेज की बात हो गई। अब ग्राउंड की बात करो, मतलब बड़े ट्रायंगल की, तो यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी के अपॉन बी के। देखो ये बी के इतना सा है छोटा सा, ये कितना है आपका स्मॉल एक्स, इतना सा है जो, और यहाँ कितना है कैपिटल एक्स, तो स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स, ओके इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ बी। ओ बी कौन सा है हमारा, ओ से बी तक, ये रहा ओ बी, ठीक है, ये ओ बी, और बड़ा कौन सा हमारा कैपिटल ओ बी, ये कंप्लीट कैपिटल ओ बी, तो ये कैसे आ जाएगा ओ बी अपॉन ओ बी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वाले, इस ऊपर वाले ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगाओगे तो कैसे आएगी आपकी, वो आएगी ए बी अपॉन ये ग्राउंड वाला ए बी, मतलब स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल वाई, तो इस तरीके से सिमिलरिटी इसमें लगानी है। ये डेरिवेशन बता रहा हूँ लेकिन कोई यूज़ नहीं है, फाइनल रिजल्ट याद रखना है आपको। तो जब सिमिलरिटी लगाओगे फर्स्ट ट्रायंगल के लिए तो आपकी ये आ जाएगी, और आप अलग उस वर्टिकल के लिए लगाओगे, अगर मैंने दो चीज़ें बताई थी, दो ट्रायंगल, एक तो आपको वर्टिकल वाला था, एक हॉरिजॉन्टल वाला था, ठीक है, और दूसरे के लिए लगाओगे आप वाले के लिए तो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाले के लिए है, ये वर्टिकल वाले के लिए, देखो वाई वाई दिख रहा है, एक्स एक्स, ओके। अब इनको दोनों को आप बराबर कर दो, देखो यहाँ भी ओ बी आ रहा है, यहाँ भी ओ बी आ रहा है, तो इसको उठा के इस ओ बी की जगह इसको यहाँ रख दो, तो आपके पास सीधे सीधे क्या आ गई, एक्स अपॉन वाई इजिक्वल्स टू वाई अपॉन वाई इजिक्वल्स टू एफ अपॉन डी। बस आपको कुछ भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, बस इसको याद रखो एंड टाइम्स ऑफ स्टार्ट दे दो इसको, ठीक है। आपको बस ये याद रखनी, प्लेट डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ऊपर तो आपकी क्या आएगी प्लेट की डिस्टेंस, प्लेट मतलब या फिर इमेज ही बोल दो आप, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। जैसे इमेज पर आपकी हॉरिजॉन्टल एक्स है तो ग्राउंड पर कैपिटल एक्स होगी कुछ, इज इक्वल्स टू इमेज की आपकी वर्टिकल वाई है, ठीक है, तो ग्राउंड पर कैपिटल वाई कुछ होगी अलग, ठीक है। इमेज की आपकी फोकल लेंथ कितनी है ओ से, वो आपकी एफ स्मॉल एफ, लेकिन ग्राउंड पर कैपिटल डी है, ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है सीधा सीधा। ये स्केल होती है, ठीक है, स्केल है ये, कोई बोले कि स्केल फाइंड आउट करो तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एक टावर है 120 मीटर का हाइट है उसकी, हैव एन इमेज ऑफ हाइट 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओरिजिनल तो उसकी हाइट कितनी है 120 मीटर, लेकिन इमेज, अगर उसकी इमेज लेंगे, उसकी इमेज लिए मान लो, ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी है 3.2 सेंटीमीटर इन फोटोग्राफ, ओके, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम कैमरा, ये फोकल लेंथ दिस,
तो क्या करना है आपको, यहाँ से ये मान लो आपका टावर है 120 मीटर का था कुछ भी, ठीक है, यहाँ से आपने कैमरा है या आपका कैमरे से आपने इसकी फ़ोटोग्राफ ली, तो इस फोटोग्राफ लिए आप तो इसकी इमेज बनी, ठीक है, तो इमेज में उसकी हाइट कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहा है, अगर कैमरे की फोकल लेंथ 152.4 mm है तो आप ये बताओ कि इस टावर के और इस कैमरे के बीच में कितने डिस्टेंस है, ये बतानी है। तो आपको जब भी इस फोटोग्रामेट्री में ऐसी कोई चीज़ आई इमेज की और ओरिजिनल ग्राउंड की बात करें, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो आपको सीधे सीधे ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला लगाना है यही, ठीक है, प्लेट डिस्टेंस मतलब इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड पर जो डिस्टेंसेज है। ओके, हाँ देखो वाई आपको 3.2 सेंटीमीटर दे रखी है, स्मॉल वाई इमेज ऑफ फोटोग्राफ, ओके, ग्राउंड की 120 मीटर दे रखी है, फोकल लेंथ 152.4 mm दे रखा है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 15.24 सेंटीमीटर आ जाएगा। डी आपको फाइंड आउट करनी है, ये रिलेशन लगा दो सीधा सीधा आप, ये तो आपको गिवन दे रखा है, ओके, ये सीधा लगा दो, स्मॉल एक्स क्या है इमेज की डिस्टेंस, कैपिटल एक्स ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखो 3.2 उठा के यहाँ रख दो, 3.2 है, 3.1 है, आप कंसेप्ट समझो, ठीक है, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, 3.1 है, 3.2 है, कुछ नहीं। अब वो अपॉन ग्राउंड की 120 मीटर है इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, जरूरी हर चीज़ किसी दो को यूज़ कर लो आप, ठीक है, ज़्यादा अननोन है आप तो तीनों को यूज़ कर लो, तो यहाँ पर देखो दो ही चीज़ें यूज आ रही है आपकी, यहाँ से ये दोनों ही यूज आएगा, ठीक है, एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इज टू एफ अपॉन कैपिटल डी, तो फोकल लेंथ यहाँ से उठा के ये रख दो और कैपिटल डी आपकी ये रहेगी, इसको सॉल्व कर लो आपके सीधे सीधे ये आ जाएगी 571.5 मीटर। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्टिकल फोटोग्रामेट्री, ओके, गेट में इम्पोर्टेंट है, गेट में इसी में से पूछता है सीधे सीधे। ओके, वर्टिकल फोटोग्रामेट्री क्या होती है, वही बात, इसको एरियल फोटोग्रामेट्री भी बोल देते हैं, वर्टिकल फोटोग्रामेट्री को ध्यान रखना, ठीक है, कैमरे की एक्सेस अगर वर्टिकल है, ठीक है, तो वो हमारी वर्टिकल फोटोग्रामेट्री, वर्टिकल मतलब ग्रेविटी साइड, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और कैमरे की एक्सेस आपकी मान लो यहाँ पर है तो ये वर्टिकल हो गई, ठीक है, और कैमरे की एक्सेस इस तरीके से है तो हॉरिजॉन्टल हो गई। यहाँ की बात करेंगे, अगर कैमरे की एक्सेस, ये कैमरा है, ठीक है, कैमरे की एक्सेस वर्टिकल है सेंटर ग्रेविटी की साइड में, ठीक है, तो वो आपकी वर्टिकल हो गई, ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री हो गई, ये ध्यान रखना, अलोंग ग्रेविटी, ग्रेविटी की साइड वर्टिकल होनी चाहिए वो, जब ही हमारा वर्टिकल फोटोग्रामेट्री होगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर वापस ही यूज आ रही है, वही फॉर्मूला यूज आएगा ऐसे कैसे ही, ठीक है, इस डायग्राम को देखो, समझने की कोशिश करो, ये आपका ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, ऐसे कुछ भी होगा, यहाँ से आगे जा करके वापस ऐसे 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 होगा, रेक्टेंगल जैसा ऑब्जेक्ट होगा कुछ भी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, इसकी अगर आप यहाँ से फोटो लोगे तो ये फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है, तो ये प्लेट हो या आपकी पॉजिटिव प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट पर इमेज बनेगी कुछ इस ग्राउंड की, तो ग्राउंड पर अगर एक्स डिस्टेंस है तो प्लेट पर स्मॉल एक्स बन गई मान लो, ग्राउंड पर कैपिटल वाई है तो प्लेट पर स्मॉल वाई बन गई कुछ, और जो ये ऑब्जेक्ट रखा है ये मीन सी लेवल से कुछ हाइट पर है स्मॉल एच, ठीक है, मीन सी लेवल कुछ होगा, अर्थ के सेंटर से कुछ मीन सी लेवल है फिक्स डिस्टेंस, और उस मीन सी फिक्स डिस्टेंस से हमारा जो ये ऑब्जेक्ट रखा है ग्राउंड के ऊपर ये कुछ स्मॉल एच हाइट पर रखा है, मतलब हमारा ग्राउंड पर रखा है ये ऑब्जेक्ट, ग्राउंड पर रखा है, ठीक है, और ग्राउंड स्मॉल एच हाइट पर है मीन सी लेवल से, ओके, और जो ये जो हमारा कैमरा है उसकी कैमरा की हाइट यहाँ से लेके मीन सी लेवल तक कैपिटल एच है, ओके, तो ऑब्जेक्ट तक कितनी हो जाएगी हमारी हाइट, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यहाँ तक की हाइट हो जाएगी, यहाँ तक की, ओके, यहाँ पढ़ लो अगर समझ नहीं आया, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा एच क्या है, फ्लाइंग हाइट ऑफ कैमरा या फिर एयरक्राफ्ट विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में हाइट है कैपिटल, स्मॉल एच क्या है एवरेज, ये एवरेज एलिवेशन ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, तो बस इसमें सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करना है, ओके बी, देखो ये यहाँ से ये और ये यहाँ से ये, दोनों सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करने हैं इसमें, और ये रिलेशन आ जाएगा, और रिलेशन कैसे आएगा, वही कैमरे की डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, देखो कैमरे की वर्टिकल अपॉन ग्राउंड की वर्टिकल, ठीक है, इसमें आप यूज़ कर लेना, निकल के यही आएगा घूम फिर के, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ओके, और अगर दूसरा सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करोगे, अगर आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है, इसमें देखना कौन सा यूज़ हो रहा है, बस दोनों को ट्रायंगल को यूज़ करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, दोनों का इस
इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड यू कैन इजीली फाइंडिंग आउट दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो कम्स आउट फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। वही फोटो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फिर आप इसको प्लेट डिस्टेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। वही स्मॉल एक्स अपन कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई अपन कैपिटल वाई। अब यहाँ पर देखो ये इसलिए कैपिटल एच, देखो इसकी फोकल लेंथ ये है, फोकल लेंथ ये है इसकी, सॉरी फोकल लेंथ ये नहीं है, फोकल लेंथ तो ये हो गई, फोकल लेंथ तो ये हो गई, और ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो ये डिस्टेंस यहाँ सीधी स्मॉल ए, ये कैपिटल एच मीन से लेवल के रेस्पेक्ट में है, तो आप यहाँ पर स्मॉल एफ अपॉन कैपिटल एच नहीं ले सकते, क्योंकि मीन से लेवल तक है, हमें ऑब्जेक्ट तक की चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तक की ये माइनस एच कर दो इसमें से, माइनस एच इसलिए यहाँ कर रखा है। वर्टिकल में था, वर्टिकल वो सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला जैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ क्या फ़र्क आ रहा है, ये नीचे डी, डी की जगह कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, मतलब जो हमारा ओ पॉइंट है जहाँ हमारा कैमरा है वहाँ से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ही लेते हैं ये, ठीक है, मीन लेवल तक नहीं, इसलिए तो ये इसको भी ध्यान रखना है। अब बात आती है क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्ट वो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल फोटोग्राफ वॉज टेकन, वर्टिकल फोटोग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, टेकन फ्रॉम अ हाइट 1600 मीटर अबोव मीन सी लेवल, तो ये कैपिटल एच हो गया, मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो 1600 मीटर क्या हो गया आपका कैपिटल एच। डिटरमाइन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की स्केल फाइंड आउट करनी है फॉर एन एरिया एट एवरेज एलिवेशन ऑफ 250 मीटर अबोव मीन सी लेवल, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा है वो 250 मीटर ऊपर रखा है मीन सी लेवल के, मतलब ये क्या हो गया आपका स्मॉल एच, ये क्या हो गया कैपिटल एच, ओके। फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 15 सेंटीमीटर, और कैमरा की फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बस सिंपल है, सीधा सीधा लगाना है आपको, कैपिटल एच दे रखा है, स्मॉल एच दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है आपको, स्केल क्या होती है आपकी ये लगा लो फॉर्मूला सीधा, ये आपका स्केल होता है, लिखेगा स्केल ही होता है ये आपका, ठीक है, स्केल का यूज़ करके आप सीधा सीधा हो जाएगा। फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करोगे किस में कन्वर्ट कर लेना, बस ऊपर की जो यूनिट आएगी और नीचे की यूनिट आएगी वो कैंसिल आउट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्केल की यूनिट होती नहीं, कुछ स्केल यूनिटलेस होती है, ओके। तो आपको बस यूनिट यहाँ पर हटानी है, बिल्कुल यूनिट लेस करना है आपको कैसे भी करके, ठीक है, वैल्यूज आपकी सेम आएगी, आपके हिसाब से चेंज कर लेना यूनिट, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें नीचे 1600 माइनस 250 ये नीचे मीटर में आएगा, फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 15 सेंटीमीटर इसको भी मीटर में चेंज करो, इसलिए 10^-2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी मीटर में चेंज कर लिया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये यूनिट लेस हो गया और हमारी स्केल यूनिट लेस ही होती है, तो ये आपका आ गया, सीधा सीधा आ रहा है, ओके। नेक्स्ट 23, वो भी इस तरीके से सिंपल है, देखो 23 को देखो, अ कैमरा फोकल लेंथ, दिस फोकल लेंथ दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर अ वर्टिकल फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है, द एवरेज एलिवेशन ऑफ द टेरेन इज 1800 मीटर, एट व्हाट हाइट द एयरक्राफ्ट शुड बी, ये क्या होगा स्मॉल एच है ये, ठीक है, शुड फ्लाई, ये कह रहा है एट व्हाट हाइट द एयरक्राफ्ट शुड फ्लाई सो दैट स्केल दिस कैन बी ऑब्टेन्ड इन फोटोग्राफ, तो इसमें कैपिटल एच फाइंड आउट करना है हमें, ये बोल रहा है कि कितनी हाइट पर हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करे जहाँ से हमारी ये स्केल इजीली फाइंड आउट हो जाए हमें, तो इसमें कैपिटल एच निकालना है हमें, कैपिटल एच निकाल रहा है, फोकल लेंथ दे रखा है, स्मॉल एच दे रखा है, कैपिटल एच निकालना है, स्केल आपको ये दे रखा है, ठीक है, अब स्केल की जगह आपको ये रख देना है यहाँ पर, ठीक है, ये दे रखा है, सब कुछ वैल्यूज पुट करनी है, कैपिटल एच मीटर में आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वो चेंज कर लेना आप, ये तो यूनिट लेस हो गया, ठीक है, आ गया, आ जाएगा तो कर लेना आप, ठीक है, ये तो बस ये इसको मीटर में चेंज कर दिया, नीचे ये मीटर में है ही, ओके। तो देखो हाँ सही है, ऊपर मीटर में चेंज हो गया, नीचे मीटर का मीटर कटेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि एज का मीटर थोड़ी बाहर निकाल लोगे आप, इसलिए यहाँ पर मीटर में आ जाएगा, ओके। यूनिट तो आपको खुद को समझनी पड़ेगी। लास्ट बात आती है हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन ग्राउंड, हमारे ग्राउंड पर
दो पॉइंट्स है उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका कोई सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ आपका कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी प्लेट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आपने जब फोटोग्राफ लिए तो ये आपके यहाँ पर ये फोटोग्राफ आ रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की आपने फोटोग्राफ ली, ठीक है, तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक फोटोग्राफ आ रही है। ओके, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें। ओके, कैसे निकालोगे? वैसे निकालेंगे, एक ही प्रोसीजर है हमारे पास, उसी तरीके से एक ही बात करोगे। तो एक ही बात करोगे, एक्स है अपॉन कैपिटल एक्स है, वाई है अपॉन कैपिटल वाई है, एफ अपॉन एच माइनस एच है। ये देखो टोटल एच तो ये दे रखा है, हमें कितना चाहिए, इतना ही तो चाहिए, तो इतना एच में। ये यहाँ से ये नीचे नहीं है, यहाँ पर इसको इमेजिन कर पा रहे हो, ये यहाँ जाके, ठीक है, ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इसके इधर ही प्लेन, इसी प्लेन में, मतलब इस ग्राउंड से इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है। ये दिखाने में पेपर में दिखाने से ऐसे बनाना पड़ता है इसको 3D में, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ठीक है, ये इसी के वर्टिकल प्लेन में से रखा हुआ है, कुछ प्लेट रखी हुई है सीधी। आप अगर यहाँ से देखोगे इसको, ठीक है, सामने से देखोगे ना इसको, यहाँ से जैसे फ़ोन आप देख रहे हो वहाँ से देखोगे तो आपको ये लाइन दिखेगी बस इस तरीके से। इसीलिए तो इसकी हाइट देखो एच है, यहाँ से एच है इतनी, और इतनी हाइट सेम थोड़ी होगी, ये तो इतनी होनी चाहिए। ये सेम इसलिए लिख रखी है क्योंकि ये इस तरीके से है ना, ये यहाँ पर है कहीं पर अंदर ऐसे घुसा हुआ है अंदर यहाँ से। ठीक है, तो एक ही बात कर लो, यहाँ पर इमेज इमेज की डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड की डिस्टेंस, यहाँ पर फिर इमेज की डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड की डिस्टेंस। बस आपको जो डी लेना है फोकल लेंथ वाले, तो फोकल लेंथ इतना, ठीक है, और ये कैपिटल एच कंप्लीट दे रखा है मीन्स लेवल के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें मीन्स लेवल के रेस्पेक्ट में ना लगे कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लेना है। तो ये एच ए के लिए तो एच ए माइनस कर देना, और एच बी के लिए एच बी माइनस कर देना। देखो यहाँ एच ए माइनस कर रखा है, एच बी माइनस कर रखा है, बस आप इस इन दोनों का यूज करके एक्स से आ जाएगा। ओके, और इन दोनों का यूज करके वाई आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों का यूज करके आपका एक्स ए आ जाएगा, और इन दोनों का यूज करके वाई आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये चारों चीज़ें निकाल लोगे आप, उसके बाद में आपको सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, रूट अंडर एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। ओके, इससे आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो जाएगी विद बिटवीन टू पॉइंट्स ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, स्केल आपका वही है, फोकल लेंथ अपॉन एच माइनस एच एवरेज, डेटम स्केल। अगर मान लो डेटम स्केल मतलब ये एच एवरेज नहीं दे रखा है, नीचे डेटम की स्केल पूछ रहा है उसमें, ठीक है, तो ये एच एवरेज माइनस नहीं करेंगे, ये आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन देख लो, एक इससे क्लियर हो जाएगा। 25 ये 1997 में आया था आईएएस में, ये क्वेश्चन अभी करेंगे, दूसरे टॉपिक पर है। ठीक है, ये देखा है, अ वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3200 मीटर अबव मीन सी लेवल। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एच हो गया ना कैपिटल एच। ठीक है, विद अ कैमरा, द कैमरा फोकल लेंथ दिस, और कैमरे की फोकल लेंथ क्या दे रखी है, ये इतनी दे रखी है, तो 120 मीटर आपकी फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, इट कंटेन टू पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट कंटेन कर रखे हैं करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड पॉइंट ए और कैपिटल ए और कैपिटल बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल लेंथ ए बी एज वेल एज द एवरेज स्केल अलोंग द लाइन ए बी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वही हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स ए अपने को ये दे रखा है, वाई ए ये दे रखा है, एक्स बी ये दे रखा है, वाई बी ये दे रखा है, ये क्या है हमारा, ये एच ए है, ये एच बी है, ये एच ए, ये एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी। ओके, बस सारी वैल्यूज दे रखी है। एलिवेशन तो एच ही होता है, देखो फोटो कोऑर्डिनेट्स दे रखा, तो फोटो कोऑर्डिनेट्स में तो एक्स ए बी इसके करस्पॉन्डिंग ए बी, बस और क्या है, सारी वैल्यूज दे रखी है। आपको एक्स ए निकालना है पहले, फिर एक्स बी निकालना है,
फिर y ये निकालना है, फिर y भी निकालना है जो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें दो पॉइंट्स के हॉरिजॉन्टल में, तो पहले आपको एक ये फॉर्मूला लगाना है, फिर ये फॉर्मूला, इन चारों से आपको ये चारों वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद में क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, तो आपके सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें वैल्यूज पुट कर दो वापस यहाँ से उठा के, इन चारों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करोगे तो आपकी ए भी फाइंड आउट हो जाएगी। फिर एक अलग बात और बोला कि आप स्केल भी फाइंड आउट करो इसकी। ठीक है, तो स्केल फाइंड आउट करने के लिए हमें एच ए और एच चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ हाइट पर है और उनकी हाइट अलग अलग है। तो एच ए प्लस एच बी डिवाइडेड बाई टू करो, क्योंकि एवरेज निकालो पहले, तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा कि एक अलग हाइट पर है हमारा, एक अलग हाइट पर है, तो इनका एवरेज निकालो किस हाइट पर है। तो एवरेज हमारा 710 मीटर आ गया। बस स्केल निकालने के लिए फोकल लेंथ अपॉन एच माइनस एच एवरेज, यहाँ से ही आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, बट वी स्टडी दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।